एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टुगेदर। तो आज हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है द एम्प्टी स्पेस विद इन HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट इज दैट इज द 26%। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब इसमें सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमने बताना है कि जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन का सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट फॉर्म द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन बनाते हैं जो लो अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो लार्ज अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। नॉन वोलेटाइल मींस जो इवेपोरेट नहीं होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट हमने सॉल्वेंट का बताना है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो इसका क्या होगा, हमें ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको देना पड़ेगा। तो उसको बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज हो जाएगा, इज एलिवेटेड। नेक्स्ट है द टेंडेंसीज ऑफ द इलेक्ट्रोड्स मेड अप ऑफ कॉपर जिंक एंड सिल्वर टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन डिप्ड इन देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट। सॉल्यूशन डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो इस ऑर्डर में होंगे जिंक ग्रेटर देन कॉपर ग्रेटर देन सिल्वर। द वैल्यू ऑफ के फॉर अ रिएक्शन इज 2.96 × 10⁻³⁰ सेकेंड इनवर्स। वट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 0.693 अपॉन के में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे जिससे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अमंग ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं विच हैव द कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें जो होता है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। F2 इज द राइट आंसर। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन निकल दैट इज द 2। इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज द 2। राइट द फॉर्मूला ऑफ पेंटा अमाइन नाइट्रो कोबाल्ट 3 क्लोराइड दैट इज द दिस इज द फॉर्मूला। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर एटम इन अ क्रिस्टल लैटिस। टेट्राहेड्रल में कितने वॉइड्स होते हैं, तो इसमें हम बताएंगे वॉइड्स होते हैं मीन्स एम्प्टी स्पेस। जैसे ये 3 एटम्स हैं, जब ये एक दूसरे को अटैच करते हैं तीनों, तो यहाँ पे एक वॉइड बन जाता है बीच में एम्प्टी स्पेस। तो इसको हम बोलते हैं वॉइड। जब हम 3 बैलून्स को इस तरह से अरेंज करेंगे तो उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा जिसको हम वी कैन से वॉइड दैट इज द। तो हेक्सागोनल वॉइड कितने होंगे क्रिस्टल लैटिस में, 2। द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज दैट इज द ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। वल्केनाइजेशन मेक्स रबर। वल्केनाइजेशन क्या होता है कि जब हम रबर को इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर में हीट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वल्केनाइजेशन। वो क्या कर देता है रबर को, मोर इलास्टिक बना देता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। तो इसका ऑप्शन होगा मोर इलास्टिक। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट इज द क्लोरीन। विच कंपाउंड अंडरगो होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जो कौन करवाता है दैट इज द दिस इज CH3CONS2। नेम द वाइटामिन हुज डेफिशिएंसी काउज बेरी बेरी। बेरी बेरी हम नॉर्मल बोलते हैं वाइटामिन बी, लेकिन जो एग्जैक्ट है दैट इज द वाइटामिन B12। अंडर वट कंडीशंस वॉन्ट हॉफ फैक्टर आई इज इक्वल टू 1 व्हेन सोल्यूट बिहेव्स नॉर्मली इन द सोल्यूशन। IUPC नेम ऑफ द दिस कंपाउंड। हम जब नेमिंग स्टार्ट करते हैं किसी भी कंपाउंड की, तब हम सबसे पहले देखते हैं उसके बॉन्ड कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करें, और डबल होगा तो हम उसके बाद डबल को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, ये भी हम देख सकते हैं, और इधर भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो जहाँ से भी फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद डबल बॉन्ड को। ये इजी ट्रिक है याद करने का। तो यहाँ से हम देंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 के लिए हम पेंटा यूज़ करते हैं, पेंट। और सेकंड पे क्या है, डबल बॉन्ड पेन 2-ईन, और ओ के लिए 1 पे है तो 1-अल। दिस इज द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड, पेन 2-ईन 1-अल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड दैट इज द ग्लास। इन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इज दैट इज द 2। बॉडी सेंटर में 2 होते हैं। इन अ गैल्वेनिक सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
दैट इज द रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द एनोड. एनोड पे रिडक्शन होगी और कैथोड पे ऑक्सीडेशन होगी. तो गैल्वेनिक सेल में ये याद रखना है आपने कि रिडक्शन जो होगी वो एनोड पे होगी. इफ अ कंसंट्रेशन आर एक्सप्रेस्ड इन मोल लीटर इनवर्स एंड टाइम इन सेकेंड देन द यूनिट्स ऑफ रेट रिएक्शन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा होगा, सेकेंड इनवर्स. द मोनोमर यूनिट ऑफ पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोराइड की जो मोनोमर यूनिट होती है दैट इज द विनाइल क्लोराइड. विनाइल क्लोराइड जो हो, बहुत सारे यूनिट जो होते हैं वो कनेक्ट करके क्या बनाते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी बनाते हैं. पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली मीन्स मैनी, विनाइल क्लोराइड मतलब मैनी विनाइल क्लोराइड जो यूनिट्स हैं उसके मोनोमर यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर चेन बनाएंगे और पॉली पीवीसी की फॉर्मेशन करेंगे, पॉलीमरेज पॉलीविनाइल क्लोराइड. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की जो थर्मल स्टेबिलिटी दैट इज द, इसकी सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी फिर HCl की, फिर HBr की, फिर HI की. वट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड इन देयर डायमेंशन दैट इज द 12 और दिस इज द हाइएस्ट. 12 जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हाइएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर है इसमें. तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड में 3 डायमेंशन में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, 12. विच ऑफ द फ्लोइंग डिपेंड अपॉन ऑन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज द मोलैरिटी जो है वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है, ये आपने याद रखना है. द यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी आर ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. The process of separation of colloids by passing through semi-permeable membrane is, that is the dialysis. Which of the following has highest boiling point? जो H2O का highest boiling point होता है. How many monosaccharides are obtained by hydrolysis of sucrose? That is the 2. क्योंकि जो sucrose होता है वो बनता है दो मोनोमर यूनिट से, दो यूनिट से बनता है दैट इज़ द ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. ये भी पूछा जा सकता है कि सुक्रोज किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से. तो इसमें पूछा हाउ मैनी मोनोसैक्राइड्स, कितने हैं, 2, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ बॉडी सेंटर 2. वट इज़ द यूनिट ऑफ सेल कॉन्स्टेंट अमंग द फॉलोइंग. सेल कॉन्स्टेंट की क्या यूनिट्स होते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स. द क्लोइडल स्टेट पार्टिकल पार्टिकल राइट साइज रेंजेस फ्रॉम 10 to 1000 एंगस्ट्रॉम. द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट इज दैट इज द ऑक्सीजन. विच मेटल हैज़ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट दैट इज द मरकरी का लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये जो मेटल है ये रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड ही होती है. तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन. पेंसिलिन इज अ एंटीबायोटिक. द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर एटम इन HCPs क्रिस्टल इज 2. मोलैलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, ये जो है मोल केजी में, मास में, वेट में दिखाई जाती है और जो मोलैरिटी होती है वो वॉल्यूम में, ये याद रखना है आपने. द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE इज फिक्स्ड एज 0, इसका जो फिक्स्ड होता है 0 के ऊपर. फोग इज अ कोलाइडर सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस, ये भी पूछा जाता है कि किस तरह का सॉल्यूशन है. तो जो फोग है वो लिक्विड इन गैस होता है. बॉन्ड एंगल इज मिनिमम इन S2S में, सबसे मिनिमम होता है एज कंपेरिजन टू दिस 1. फॉर अ सिंपल क्यूबिक लैटिस एज लेंथ इज इक्वल टू, सिंपल क्यूबिक जो लैटिस है उसके लिए जो एज लेंथ है वो किसके बराबर, 2R. आइसोटोनिक सोल्यूशन है, सेम वेपर प्रेशर होता है इसका. द केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट रिक्वायर अ हायर अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आर जनरली स्लो होते हैं. ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो स्लो परफॉर्म करते हैं. AS2S3 is example of negative colloid. Oil of vitriol is a S2SO4 sulfuric acid. Chlorophyll contain, chlorophyll जो होते हैं वो green plants में की leaves में होता है और green color जो है होता है वो इसी के कारण होता है, pigment के कारण. तो इसमें जो central atom होता है दैट इज़ द एलिमेंट होता है दैट इज़ द मैग्नीशियम. उसी तरह ह्यूमन बॉडी में भी जो ब्लड का कलर होता है वो ड्यू टू हेमोग्लोबिन ही
होता है पिगमेंट के कारण। उस हेमोग्लोबिन में जो सेंट्रल एटम होती है वो होती है आयरन Fe। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच मेटल इज यूज इन अलमेंस रिएक्शन, दैट इज द कॉपर। IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड, इसका जो फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो इसका जो IUPAC नेम होता है दैट इज द इथेनोइक एसिड। थैंक यू।